बीती रात पूरी दुनिया पीएम मोदी के वर्ल्ड विजन को जानने के लिए जाग रही थी। देश से लेकर विदेश तक, डील से लेकर डिप्लोमेसी तक, आतंक से लेकर युद्ध तक, पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। बिल्कुल अंजलि, और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बदनाम करने वाली टूलकिट पर अमेरिका से बड़ा प्रहार भी किया है। भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों पर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की जॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बड़ी बातें। वीडियो वॉल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का वो वर्ल्ड विजन आपको दिखाते हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बताते हैं कि लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बयान रहा, अंजलि आपको बताएंगे। जी हाँ, लोकतंत्र पर जब सवाल पूछे गए उस पर पीएम ने करारा जवाब दिया कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। साथ ही भारत को लेकर पूछे गए सवाल पर पीएम ने कहा कि भेदभाव की जगह नहीं है भारत में। डिफेंस डील को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है भारत देश का। कारोबार पर जब सवाल पूछा गया तो कारोबार को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती को एआई यानी कि आप समझे एक तरीके से तो अमेरिका और इंडिया भी, और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह संबंध बताया। इसके अलावा डिप्लोमेसी को लेकर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण के लिए साथ आना जरूरी है। युद्ध को लेकर भी सवाल किया गया प्रधानमंत्री मोदी से, तो उन्होंने कहा, उनका जवाब था, खून खराबे से हमें बचना होगा, इसका अंत नहीं है और ये आगे नहीं कोई लाभ देगा। आतंक पर भी सवाल किया गया, आतंक पर करारा वार किया और बिना नाम लिए पाकिस्तान का करारा वार किया। मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आतंक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कही। स्पेस को लेकर भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मजबूत संबंधों का गवाह रहा है। इतिहास को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया तो उनका जवाब था, गांधी, मार्टिन लूथर हमारे लिए प्रेरणा है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। रक्षा को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी सवाल किया गया तो उनकी तरफ से कहा गया, जवाब दिया गया कि अंतरिक्ष से समंदर तक हम दोनों साथ हैं, हम दोनों मुल्क साथ हैं। इंडो पैसिफिक को लेकर भी सवाल किया गया जिसमें उन्होंने ये बात का जवाब दिया कि शांति सुरक्षा हम दोनों की प्राथमिकता है। तो पत्रकारों ने सवाल किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी से सवाल क्या किया गया था और फिर जवाब उन्होंने क्या दिया। देखिए, पहला सवाल था उनसे मानवाधिकारों को लेकर सवाल था, मानवाधिकारों का क्या हनन हो रहा है। खास बात क्या, विपक्ष जो सवाल अक्सर पूछता है ठीक वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया वहां पर। जी तो, अंजलि बताइए। बिल्कुल, और कई ऐसे सवाल थे जिसमें अल्पसंख्यकों से भेदभाव की बात पूछी गई, ये सवाल पूछा गया, जवाब ये था कि विपक्ष जो सवाल अक्सर पूछता है ठीक वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया, जिसमें आलोचकों से भेदभाव को लेकर के सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री से और उन्होंने करारा जवाब भी इसका दिया। बिल्कुल, ये सवाल किए गए जो वहां पर पत्रकार मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी से, और बाइडेन मोदी दोनों ने कहा भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। अब पहले, सबसे पहले बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। भारत अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है, और जो बाइडेन ने कहा हमारे डीएनए में लोकतंत्र, हमारा साझा चरित्र लोकतांत्रिक। जी हाँ, लोकतंत्र जिंदाबाद था, है और रहेगा। बाइडेन मोदी दोनों ने कहा कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र। देखिए, सवाल पूछा गया तो भारत के पीएम ने जवाब दिया कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, हम इसे जीते हैं। जो बाइडेन ने कहा हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, हमारा साझा चरित्र लोकतांत्रिक है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें थी। बिल्कुल, एक और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही, जाति पंथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। जो बाइडेन ने कहा हमारे डीएनए में लोकतंत्र, हमारा साझा चरित्र ही लोकतंत्र लोकतांत्रिक है। जी हाँ, और मोदी बाइडेन के चार बड़े संदेश क्या थे आप एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, दो सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की तस्दीक की, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी वही बात रखी और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुखर तरीके से ये बात कही। और प्रधानमंत्री ने बता दिया कि भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर लगातार कायम है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने यह संदेश ऐसे मंच पर दिया है जब उन्हें पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही थी, खास करके पाकिस्तान और चीन। बिल्कुल, इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र के आधार पर ही बाइडेन ने कहा कि यूएस के चीन से वैसे रिश्ते कभी नहीं हो सकते जैसे भारत से हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है जो कि दिया गया अमेरिका से। जी हाँ, पीएम बाइडेन के संदेश के बाद चार सवाल जो उठ रहे हैं वो आप जरा गौर करिएगा, उसके बाद गेस्ट के पास भी जाएंगे। देखिए, अमेरिका को भारत में मजबूत लोकतंत्र नजर आता है, विपक्ष को खतरे में क्यों नजर आता है, ये एक बड़ा सवाल है। और एक और सवाल, 140 करोड़ के देश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल उठाने वालों की क्या अब बोलती बंद होगी। तो एक और सवाल ये कि अल्पसंख्यकों के लिए पीएम मोदी के बार बार भरोसे के बावजूद ग्लोबल अफवाह के पीछे आखिर कौन है।
और ये भी कहा जा रहा है, ये भी सवाल सामने आया कि क्या देश के कई मुद्दों को साजिशन अलग रंग दे दिया जाता है, ये साजिशन किया जाता है, मकसद के आधार पर किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पुष्पेश पंत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ा हुआ है। पुष्पेश जी, ये जो चार सवाल हमने उठाए, आपको लगता है कि यही मकसद रहा है और इसी एजेंडे के तहत लगातार साजिशन काम होता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सब कुछ साजिशन होता है, मगर मुझे लगता है कि दोहरे मानदंड और पाखंड अमेरिकी विदेश नीति में उतने ही स्पष्ट हैं जितना किसी और देश की राजनीति में। मुझे लगता है जब सवाल उठाए जाते हैं भारतीय जनतंत्र में सहनशीलता पर, उसकी विविधता पर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर, संवैधानिक कानून के राज पर, तो अमेरिकी ये भूल जाते हैं कि खुद जो अपने को दुनिया का सबसे पुराना क्रांतिकारी राजतंत्र आधुनिक मानते हैं, वो कितना हक हद तक इसका पालन करते हैं। फॉरेन अफेयर्स में फॉरेन जो दो लेख हाल में छपे हैं, एक टेलिश का, एक डॉक्टर मकाई का, दोनों में कहा गया कि हाँ, हम तो पूरी तरह से अपने आदर्शों के अनुसार आचरण नहीं कर सकते, मगर दूसरों से ये उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जनसंख्या के आधार पर भारत ही है, वहाँ का सबसे ताकतवर नेता जो है वो निर्वाचित नेता है। निर्वाचित नेता को यदि भारत वासी, भारत के मतदाता अपना अधिनायक मानने को तैयार है, तो अमेरिका को बोलने की जरूरत इसमें कहां पड़ती है? बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। और इसीलिए यही बात है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इस बात को माना है कि भारत में लोकतंत्र का ठीक ढंग से पालन किया जाता है, समानता का अधिकार है। लेकिन चक्रवर्ती साहब, सवाल यह है कि आखिर ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? भेदभाव, असमानता की जो अफवाहें हैं, वो कौन ग्लोबल मंच पर फैलाने की का बड़ा रोल कर रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर का राग जब जब पाकिस्तान ने अलापा, पूरी दुनिया से फटकार खाई पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को यह कहा गया कि भारत का अंदरूनी मामला है, आप शांत रहिए। देखिए, अमेरिका में और भारत में भी ओपिनियंस हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक। तो ये जो लॉबीज वहाँ काम करती हैं, आपको मालूम है कि अमेरिका में वॉशिंगटन, जिसको बेल्टवे हम कहते हैं, कि वहाँ लॉबिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो सब लॉबी करते हैं अपने अपने उनके विचार के मतलब जो आधार पर, कोई ह्यूमन राइट्स पे करता है, कोई कमर्शियल एडवांटेज पे करता है, तो ह्यूमन राइट्स लॉबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ, तो इसीलिए उनकी आवाज़ सुनी जाती है। फिर एकेडेमिया में वो लिखते हैं और फिर वो, और अमेरिकन सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन से एकेडेमिया में जो तालमेल है, कोई आज एडमिनिस्ट्रेशन में है तो कल वो एकेडेमिया में है, तो ह्यूमन राइट्स वाले भी वहाँ एकेडमी में, एकेडेमिया से एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये जो लॉबीज हैं वो काम करती हैं, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है उसमें। जी, मैं आपके पास आऊंगी और आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यही सवाल विपक्ष के सामने भी रखा जाता है, जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन क्या किस तरह से जवाब दे रहा है। एक और बड़ी बात ये बताएं कि बड़े मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बात आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली है आज। और प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के वक्त को याद किया और एक बात कही, वो बात क्या थी, सुनवाते हैं आपको। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था, मैं कुछ खा नहीं रहा था, और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर हैं, और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टॉस्ट में मेरा साथ दें।
और देखिए पीएम ने साथ ही ये भी कहा कि गुजरते समय के साथ अमेरिका और भारत में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ रहा है। इस बीच पीएम ने फिल्म आरआरआर के गाने नाथू नाथू का भी जिक्र किया। जैसे जैसे समय गुजर रहा है हमारे लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। बेसबॉल की प्रसिद्धि के बीच अब अमेरिका में क्रिकेट भी पॉपुलर हो रहा है। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिए अमेरिका की टीम क्वालिफाई करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो सुना आपने नरेंद्र मोदी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा प्रधानमंत्री ने कि सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है अमेरिका के साथ। और स्टेट डिनर में राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहा, अब आपको ये भी सुनवाते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई हैड एन आयरिश ग्रैंडफादर नेम्ड एम्ब्रोस फिनिगन एंड ही यूज्ड टू से दैट व्हेन यू गिव अ टोस्ट एंड यू डोंट हैव एनी अल्कोहल इन योर ग्लास यू मस्ट डू इट विद योर लेफ्ट हैंड। यू थिंक आई एम किडिंग, आई एम नॉट। आप प्रधानमंत्री जी, आप हमें हमारे कैम्ब्रोस थे जो उन्होंने कहा था कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आप बाएं हाथ से अपना ग्लास उठाएं, और मुझे लगा था हमारे पास पहले कोई ग्लास नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें जिंजर एल है। टोस्ट टू आवर पार्टनरशिप, टू आवर पीपल, टू द पॉसिबिलिटीज दैट लाई अहेड, टू ग्रेट फ्रेंड्स, टू ग्रेट नेशंस एंड टू ग्रेट पावर्स। चीयर्स। प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सब अपना ग्लास उठाएं और मेरे साथ टोस्ट में शामिल हों, हमारी साझेदारी के लिए, हमारे लोगों के लिए और आगे आने वाली सब संभावनाओं के लिए। दो अच्छे दोस्त, दो महान राष्ट्र और दो महान शक्तियां। चीयर्स। तो वहीं कट्टरवाद आतंकवाद के बाद दुनिया के लिए कैसे खतरा है आतंकवाद और कट्टरवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री ने करारा हमला। बोला आतंक फैलाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। आफ्टर 9/11 एंड मोर देन अ डेकेड आफ्टर 26/11 इन मुंबई, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. तो आतंकवाद पर करारा वार किया प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आपने सुना, और पाकिस्तान पर प्रहार किया लेकिन बिना नाम लिए प्रहार किया। बिग वॉल के जरिए कुछ बड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं कि किस तरह आतंकवाद को लेकर प्रहार किया गया। 9/11 26/11 के बाद अब भी गंभीर चुनौती बनी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है, अंजलि। जी हाँ, और साथ ही पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा गया कि नई पहचान नए रूप में चैलेंज है और इनके इरादे नहीं बदले। 9/11 और 26/11 ये दो बड़ी घटनाएं विश्व भर की। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मानवता का दुश्मन है और एक्शन में कोई इफ एंड बट यानी कि किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान पर कैसे प्रहार किया कि आतंक प्रायोजकों को रोकना होगा, ये नाम नहीं लिया गया लेकिन प्रायोजक बता दिया। आतंक के निर्यातकों पर काबू करना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय भारद्वाज जी, ये जो दो टूक कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, वो ये बताता है
वो ये बताता है कि आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई इफ और बट की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर पूरी फुल फोर्स के साथ लड़ना होगा आतंकवाद को खत्म करने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरतावाद, ये तीन जो हैं ये दक्षिणी एशिया में खासकर इस बड़े एक नासूर के रूप में खड़े हैं, और ये बात सबको पता है, अमेरिका भी जानता है कि इसका जो जननी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित जो भी देश हैं वो इसके जननी है। देखिए, पहले क्या हुआ है कि 9/11 और 26/11 के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर थोड़ा दोहरा मापदंड था, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत और अमेरिका अब आतंकवाद पर एक सोच रख रहे हैं, एक लड़ाई लड़ने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि भारत और अमेरिका अब आज लोकतंत्र पे भी एक सोच रख के एक तरीके से लोकतंत्र के प्रमोशन की बात कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि जब प्रधानमंत्री जी 2015 में जापान गए थे तो पहली बार दक्षिणी एशिया से बाहर होकर भारत ने लोकतंत्र की बात कही थी, शिंजो एबे प्रधानमंत्री थे, और आज अंतर्राष्ट्रीय जो मंच पर आप देखिए अमेरिका में जाके भारत ने जो ईथोज और जो वैल्यूज उनकी बात की, लोकतंत्र को अपने ईथोज और वैल्यूज के साथ जोड़ा, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है और अमेरिका लोकतंत्र का ड्राइवर है, लेकिन दोनों की आज एक सोच बन रही है, और मुझे लगता है कि ये जो सोच है ये दोनों देशों के संबंधों को, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो चाहे वो लोकतंत्र के प्रमोशन का मुद्दा हो, मुझे लगता है कि ये आगे ले जाएगा। और खास जो बात है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए डिफेंस डिप्लोमेसी हो रही है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी डिप्लोमेसी हो रही है वो सांस्कृतिक, जो मैं कहूंगा कि कल्चरल डिप्लोमेसी हो रही है, उसको कल्चर से हमने लोकतंत्र को जोड़ा है। आप देखिए ना, हर मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर सटीक तरीके से अपनी बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, और यही वजह है कि जब वो अपना संबोधन दे रहे थे तो वहां मौजूद सभी लोगों को वो सभी बातें पसंद आ रही थी, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो हॉल था वो गूंज रहा था। एक ऐसा ही वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीर आप जरा देखिए और समझिए। कहा गया कि 79 बार तालियां बजी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन दे रहे थे। देखिए, यही वो तस्वीर है, यही वो वीडियो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो की कुछ खासियत भी आपको बता देते हैं, ये वीडियो क्यों खास है ये समझा देते हैं। 79 बार तालियां बजी हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान, और सिर्फ इतना ही नहीं, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, यानी कि जो लोग उन्हें सुन रहे थे 15 बार वो अपनी जगह से खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री की बातों का स्वागत कर रहे थे। ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी मच गई थी, सेल्फीज लेने की होड़ सी मच गई थी, और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, मोदी मोदी के चैंट्स हो रहे थे। और वहां पर देखिए, जो सांसद मौजूद हैं वो उनसे ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं, जो बाइडेन की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ लिया जा रहा है, ये असर है, ये प्रभाव है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में। और जैसा कि अंजलि ने बताया, 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट सामने आई, जो स्टैंडिंग ओवेशन हुआ वो, यानी खड़े होकर जो तालियां बजाई गई, अप्रेज किया गया, वो 15 बार किया गया, ऑटोग्राफ लिए गए, सेल्फी ली गई प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और अब जिस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट सामने, एक बार हम फिर से सुनवाते हैं वो किस तरह का समा था। मुझे लगता है ये तस्वीर हर भारतवासी को, और मोदी मोदी के नारे जो हैं वो लग रहे हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पुष्पेश सर, क्या इससे पहले विश्व के किसी नेता की ऐसी पॉपुलैरिटी आपने देखी है क्या कि विश्व भर में तीसरे स्थान पर सिर्फ नरेंद्र मोदी है भारत के प्रधानमंत्री नेता जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया, और वहां पर जो सांसद है वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा है।
देखिए, इस बारे में तो कोई शक है नहीं कि मोदी इस समय विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग अमेरिका के जो इस तरह का आकलन करते हैं वो 77% आंकते हैं। और आप इस बात को ना भूलें कि मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीन अमेरिकी राष्ट्रपति निपटा दिए कह सकते हैं, कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी देख चुके हैं, वो ओबामा को भी देख चुके हैं, और अब बाइडेन के साथ भी उनका साक्षात्कार मुलाकात हो रही है। और यदि परिचय देखें तो बाइडेन के साथ तब से जब से वो उपराष्ट्रपति थे। तो मुझे लगता है कि हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मोदी भारत के नेता हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे उदीयमान शक्ति है, उसका एक सांस्कृतिक दायरा है जो बहुत विस्तृत है, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा ग्राहक है न केवल सैनिक हथियार सामान का बल्कि परिष्कृत टेक्नोलॉजी का, शोध का, फार्मास्यूटिकल्स का। तो कोई भी आदमी भारत के इस नेता को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सर, और ये करिश्मा हमें देखने को मिला है क्योंकि तस्वीरों को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, अपने आप में बहुत कुछ है बताने के लिए तस्वीरें, जो कि भारत में हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा करती है जब भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान अमेरिका में मिलता है। तो देखिए एक और बड़ी खबर जो स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है ये युग युद्ध का नहीं है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का समय है। युद्ध पर दिए बयान के बाद तालियां बजने लगी, बातचीत से समाधान निकालना होगा। पीएम मोदी ने फिर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यह बात दोहराई है। द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स द आउटकम्स सीवियर, कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ हैव बीन पर्टिकुलरली अफेक्टेड। The global order is on the respect for the principle of UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereign territorial integrity. As I've said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy, and we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक एक बार फिर से दोहरा दिया कि ये वक्त ये समय युद्ध का नहीं है। चक्रवर्ती जी मैं आपके पास आ रही हूँ, इससे पहले प्रधानमंत्री के जरिए एक और बड़ा बयान दिया गया कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। उससे पहले पुतिन के सामने उन्होंने कहा कि युद्ध का समय नहीं है, और फिर आज की बड़ी बात, तो ये बताता है कि यूक्रेन युद्ध में जो भारत का स्टैंड है वो ये है कि शांति की ओर बढ़ना चाहिए, खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल, वो उन्होंने एक भी ये जो एक बात कही उन्होंने कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम तो शांति के पक्ष में हैं, ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने फिर दोहरा दिया कि ये दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और डायलॉग ऑफ डिप्लोमेसी से ही काम चलना चाहिए, और आपने सुना कि किस तरह से उस पर तालियाँ बजी। देखिए इंडिया का जो रोल है इसमें कि पीस ऑन द साइड ऑफ पीस, ये हम कहते आ रहे हैं, अब ये तो आगे सोचना पड़ेगा कि लेकिन चक्रवर्ती सर मेरा सवाल थोड़ा अलग है, इंडिया का जो रोल है इस वॉर को लेकर ये तो हम शुरुआत से देख रहे हैं कि वो बार बार कह रहा है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अमेरिका में मौजूद हो करके अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए अगर उन्होंने ये जानते हुए ये बात कही है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, युद्ध का समय नहीं है, जबकि वो जानते हैं कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका का स्टैंड क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के मुंह पे बिल्कुल, जो बाइडेन के मुंह पे क्लियरली उन्होंने बोला है कि युद्ध खत्म करवाइए इशारों इशारों में। बिल्कुल, ये मैसेज उनके लिए भी है कि आप यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में सब जानते हैं कि अमेरिका का रोल है, वो हथियार दे रहे हैं, बहुत सारे मदद कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल हेल्प कर रहे हैं, सैटेलाइट डेटा दे रहे हैं, तो ये उनको भी एक मैसेज है कि इसको बंद करिए आप, कि यूक्रेन को इस तरह के आप हथियार दे रहे हैं और यूक्रेन लड़ा जा रहा है, लोग मर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन डिस्ट्रेस चल रहा है वहाँ पे,
इसीलिए ये मैसेज है उनके लिए। इशारों में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है अमेरिका को। जो बाइडेन को भी ये समझने की जरूरत है कि भारत अगर ये बार बार कह रहा है कि दिस इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ वॉर, तो इसमें युद्ध को खत्म करने के तरफ अमेरिका को भी कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए एक और बड़ी खबर है, जिनपिंग पर अपने बयान पर कायम है बाइडेन। बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह कहा था। ब्लिंकन का चीन दौरा सफल रहा, जो बाइडेन ने ये कहा। देखिए अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जो बड़ी बात कही है वो भी आपको हम बताते हैं। Mr. President, I have a question for the Prime Minister, but first a two-part question for you. Your comments at a fundraiser this week appear to be the first time in recent memory that a sitting U.S. president has called a Chinese leader a dictator. Did those comments about President Xi undermine or complicate the progress your administration has made in maintaining a relationship with China? And secondly, on India, as you raise these broader issues of human rights and democracy, what is your message to those, including some members of your own party, who say that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and crackdown on dissent in Prime Minister Modi's country? Answer your first question is no. When we're talking to our allies and partners around the world, including India, we let the idea of my choosing and avoiding saying what I think is the facts with regard to relationship with India, with China, is just not something I'm going to change very much. I believe that, and I've said this for some time, that the hysteria about the relationship with China is collapsing and moving, et cetera, et cetera. We had an incident that caused some confusion, you might say. But Secretary Blinken had a great trip to China. I expect to be meeting with President Xi sometime in the future, in the near term, and I don't think it's had any real consequence. तो देखिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान आपने सुना, जब उनसे पूछा गया चीन को लेकर के सवाल, संजय भारद्वाज जी, जो बाइडेन को हमने सुना वो कह रहे हैं कि ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं अमेरिका और चीन के बीच में जिससे कि जो रिश्ते हैं वो खराब हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने कह दी कि भारत के साथ जो मजबूत वाले रिश्ते हमारे हैं, संबंध है, वो ट्यूनिंग, वो केमिस्ट्री चीन के साथ नहीं है। वजह कई है, हमने देखा कि कैसे अमेरिकी आसमान में चीन ने अपने जासूसी गुब्बारे भी भेजे थे। देखिए सीधी सीधी बात है, पहली बात कि जो भारत और अमेरिका एक ही तरीके के वैल्यूज़ और इथोज में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, निश्चित रूप से शी जिनपिंग तानाशाह है, और वो तानाशाह है ही नहीं, वो तानाशाह को प्रमोट भी करते हैं। आप देखिए नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हैं, ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, म्यांमार में वो अलोकतांत्रिक ताकतों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से तानाशाही को रिप्रेजेंट चीन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका लोकतंत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, और यही देखिए आप इस बात से रिफ्लेक्ट होता है कि देखिए ये गांधी का देश है, ये बुद्धा का देश है, हम पीस की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, और यहाँ पर किसी भी हम डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन चीन क्या कर रहा है, चीन अपने ताकत के आधार पे एक रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट होता जा रहा है। साउथ चाइना सी हो, भारत के साथ बॉर्डर का इशू हो, आप ये देखिए सिंकियांग में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट वायोलेशन कर रहे हैं वो, किसी कोई वो इस्लाम को भी नहीं बकस रहा, इस्लाम के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस्लाम पर भी वो आतताई बना जा रहा है। तो निश्चित रूप से लेकिन जवाब चीन को बहुत क्लियर मैसेज है कि आपकी आप पर जो निर्भरता है वो कम हो रही है, और ये भारत ने भी बता दिया है, अमेरिका ने भी बता दिया है, भारत ने भी बता दिया है। मैं आऊंगी आपके पास और हम 8 तस्वीरें अब एक साथ आपको दिखाने वाले हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में इतिहास रच दिया। ये देखिए 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें अमेरिकी संसद में संबोधन, जो कि ऐतिहासिक संबोधन रहा और ये दूसरी बार हो रहा है, बाइडेन के साथ ये जो जुगलबंदी है, जो केमिस्ट्री है, वो हमेशा से ही देखने को मिलती है, और आज और ज़्यादा प्रगाढ़ देखने को मिली कि कैसे रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, 79 बार तालियां बजी, ऑटोग्राफ के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, सांसद ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर नजर आए, हाथ जोड़कर अभिवादन किया गया, व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर और MQ-9 ड्रोन डील पर मुहर लग गई है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर भी निशाना साधा। मोदी ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। द डार्क क्लाउड्स ऑफ कोवर्जन एंड कन्फ्रंटेशन आर कास्टिंग देयर शैडो इंडो पैसिफिक। द स्टेबिलिटी ऑफ रीजन हैज बिकम द सेंट्रल कंसर्न ऑफ पार्टनरशिप। We share a vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific. समावेशी इंडो पैसिफिक में हम यकीन रखते हैं और यही विश्वास की बुनियाद भी है, ये बात के बारे में कहा प्रधानमंत्री। और अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका की दोस्ती पर ऐसी बात कही कि सदन में मौजूद लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। वो बात क्या थी वो सुनाते हैं आपको। Through the long and widening road that we have traveled, we have met the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort and travel. तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा की ये जो नब्ज है वो दोनों मुल्कों में बराबरी की ओर है, यानी अमेरिका भी वही महसूस करता है, वही एनर्जी महसूस करता है जो कि भारत महसूस करता है। पुष्पेश पंत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर अमेरिका इंडिया के एक नए टर्म तक, AI टर्म जिसे कहा गया, ये हमें समझना होगा कि अमेरिका और भारत का जो व्यापार है वो $130 बिलियन रिकॉर्ड तक पहुंच चुका है, तो इसलिए साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी साझेदारी के बारे में बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, मुझे लगता है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं वो फ्लेवर ऑफ द मंथ है, मगर मुझे लगता है कि भारत की क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज उस तरह की नहीं है कि ये साझेदारी लगभग बराबरी की हो सके। वो चाहे चिप्स हों या वो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना हो, हमारी क्षमता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है। मगर मुझे लगता है कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात है जो आपने भूमिका में कही सवाल के, कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझेदार अमेरिका है, अरबों खरबों डॉलर का व्यापार होता है और संतुलन भारत के पक्ष में झुका है, तो भारत से निर्यात की संभावनाएँ अपार हैं। वो दुर्लभ खनिजों के बारे में हो सकती हैं, वो सर्विसेज के बारे में हो सकती हैं, मगर मुझे लगता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है जो सौदा प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने के पहले तय हो चुका था, $3 अरब का ड्रोन्स का, और उसके बाद जो जेट इंजनों की बात चल रही है, ये सारी बातें काफ़ी लंबे समय में क्रियान्वित होंगी, मगर इस क्षेत्र में अमेरिका भारत को छोड़ नहीं सकता है, भारत का बाजार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, दोनों ही एक दूसरे के साथ व्यापार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिला। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं तो बहुत ही भारी इन्वेस्टमेंट इस वक्त अमेरिका भारत में कर रहा है। देखिए, हर देश भारत के विकास को समझना चाहता है, ये बड़ी बात है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसका जिक्र और चर्चा हम लगातार स्टूडियो पे कर रहे थे। जल्द ही भारत 3री बड़ी इकोनॉमी बनेगा, भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th.
टुडे इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। And India will be the third largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. After all, we are 1/6 of the world's population. In the last century, when India won its freedom, it inspired many other countries to free themselves from colonial rule.